एपी पार्ट फाइव में हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी हम इस क्वेश्चन में ट्रिक भी बताएंगे आखिरी में। पहले आप इसका पहले ट्रेडिशनल मेथड समझेंगे, उसके बाद मैं ट्रिक डिस्कस करूंगा। करेक्ट, मैंने कहा क्वेश्चन है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, टू एपीज आर इन द रेशियो 5n+4:9n+6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। कैसे करते हैं जरा देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले आपसे कहा है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, तो देखिए जब दो एपी होंगे तो दोनों एपी का फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा और दोनों एपी के डिफरेंस अलग अलग होंगे। तो जब पहली वाली एपी है उसका सम मैंने लिख दिया यहाँ पर एस वन है, और दूसरी वाली जो एपी है उसका सम मैंने बोल दिया एस टू है। इन दोनों का जो रेशियो है वो है आपका 5n+4:9n+6। अब एस वन का मतलब क्या हुआ, एस वन का मतलब हुआ दोस्तों एन बाई टू टू ए वन। देखिए द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है एन है, पहली एपी में भी दूसरी एपी में भी, लेकिन पहली एपी दूसरी एपी के फर्स्ट टर्म अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन अपॉन एन बाई टू टू ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू इक्वल टू 5n+4 अपॉन 9n+6। ये n बाई टू से n बाई टू कैंसिल हो गया। और आपको बता दें एक्चुअल में आपकी नीड क्या है वो भी लिख दें, ये आपका जो एम है वो है क्या, आपका एम है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। अच्छा बताइए 18th टर्म का मतलब क्या होता है, फार्मूला आपने क्या पढ़ा है टी एन का, टी एन का फार्मूला पढ़ा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पढ़ा है टी एन का फार्मूला। अब यहाँ 18 की बात करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 18 माइनस 1 मतलब 17 डी। इसका मतलब ये हो गया कि पहले वाली सीरीज का 18th टर्म क्या हो जाएगा, ए वन प्लस 17 डी वन, और दूसरे वाले सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, ए टू प्लस 17 डी टू। ये आपसे पूछा है रेशियो, करेक्ट, ये आपका एम है। अब देखिए मैथ बाई अकल प्रूविंग बाई नकल, इसमें ध्यान से देखें तो ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन है, यहाँ पर ए वन होना चाहिए यहाँ पर लेकिन टू है, तो हम ऊपर से और नीचे से टू कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। जब हम न्यूमरेटर से टू कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा देखते हैं, यहाँ बगल में लिखते हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से जब टू कॉमन लेंगे तो आपको दिखाई देगा ए वन प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी वन अपॉन ए टू प्लस, अगर मेरी बात समझ में आ रही होगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, डी टू। यहाँ पर लिखा है 5n+4 अपॉन 9n+6। आप मेरे साथ नोट करते रहिए, कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो समझ में भी आएगा। इसके बाद देखिए इसको मैं क्वेश्चन नंबर रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर होना चाहिए ए वन प्लस 17d1 ए टू प्लस 17d2, लेकिन यहाँ पर ए वन प्लस एन माइनस वन बाई टू डी वन है, ए टू प्लस एन माइनस वन बाई टू डी टू है। आपका काम कब बनेगा, जब आप यहाँ पर पुट कर दें, क्या जब आप पुट कर दें एन माइनस वन बाई टू इक्वल टू 17, अगर एन माइनस वन बाई टू इसके प्लेस में अगर आपका 17 आ जाता है तो आपका ये 18th टर्म बन जाएगा, करेक्ट। तो ऐसा करते हैं एन माइनस वन बाई टू इक्वल टू 17 पुट करते हैं, तो जब पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए वन प्लस ये आपका 17 हो गया यहाँ पर, करेक्ट, तो यहाँ 17 रख दीजिए, आपने पुट किया हुआ है, नीचे भी 17 आ जाएगा ए टू प्लस 17 डी टू। अच्छा आप ये बताइए अगर n माइनस वन बाई टू इक्वल टू 17 हुआ तो यहाँ से देखिए n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 34, 17 टू 34 हो जाएगा, और यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा 35। आप n इक्वल टू 35 रखेंगे भाई, जब LHS में भी देखिए यहाँ भी रख के देख लीजिए, अगर n इक्वल टू 35 है तो 35 माइनस वन क्या हुआ 34 बाई टू 17 आए ना, तो जब यहाँ रखा तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 35+4 / 9 × 35+6। अब ये आपका 18th टर्म है, ये भी आपका 18th टर्म है, करेक्ट। अब यहाँ बताइए ये 5 लिखा हुआ है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 35 × 25 = 75 + 4 / 9 ×
5 कैरी 4, 9 थ्री 27, 27 4, 31 प्लस 6, करेक्ट। ये आपका आ गया 179 अपॉन 321, ये आपका आंसर है, करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया हो प्रॉब्लम। हाँ, मैंने वादा किया था इसकी ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक के लिए देखिए क्या करना है, ये रफ कर दें। ट्रिक के लिए आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हमेशा जब भी आपको एन टर्म का सम गिवन हो, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, और आपसे इसके एन टर्म का रेशियो पूछा जाए, मतलब ये टी वन का मतलब फर्स्ट सीक्वेंस है और टी टू का मतलब सेकेंड सीक्वेंस, टी का मतलब टर्म है, टी वन फर्स्ट और टी टू सेकेंड सीक्वेंस का एनथ टर्म है, ये कौन सा टर्म है, एनथ टर्म। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एन के प्लेस में टू एन माइनस वन रखना है, तो यहाँ हो जाएगा फाइव टू एन माइनस वन प्लस फोर, ये ट्रिक है, काम आएगी आपके कंपटीशन में, टू एन माइनस वन प्लस सिक्स, करेक्ट। अब देखिए, अब आपसे यही क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था आपसे एटीनथ टर्म का सम चाहिए, तो एन की जगह एटीन रख दीजिए, सॉरी एटीन टर्म का सम नहीं, एटीनथ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एटीनथ टर्म, तो एन की जगह एटीन रख दीजिए, तो एटीन टू जा क्या हो जाएगा, थर्टी सिक्स माइनस वन थर्टी फाइव, तो फाइव इंटू थर्टी फाइव प्लस फोर क्या हो जाएगा, वन सेवेंटी नाइन, और नीचे रख दीजिए थर्टी फाइव टू जा सेवेंटी, सॉरी एटीन, एटीन टू जा थर्टी सिक्स माइनस वन थर्टी फाइव, थर्टी फाइव नाइन जा 315 और प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 321, तो ये हमें उम्मीद है ये समझ में आई होगी बात मेरी, कि द सम ऑफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज रेशियो 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, और मान लीजिए आपसे पूछा जाए फाइंड देयर रेशियो ऑफ एन टर्म, तो ये आपका आंसर हुआ, जहां n है वहां 2n माइनस रख दीजिए। अब आपसे पूछा गया 18, तो n की जगह 18 रख दीजिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, थैंक।